हेलो स्टूडेंट्स आई एम एजुकेट इन आर टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास नाइन चैप्टर सेवन ट्राइंगल्स वी हेव ऑलरेडी डिस्कस टू एक्सरसाइजिज ऑफ दिस चैप्टर सो यू कैन वॉच डैट वीडियो ऑन माई चैनल प्लेलिस्ट फॉर क्लास नाइन सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री को डिस्कस करेंगे बट स्टूडेंट इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने से पहले आपको कॉन्ग्रोएंसी क्राइटेरियाज के बारे में अच्छे से क्लियर होना चाहिए वट वट आर कॉन्ग्रोएंसी क्राइटेरियाज हमने स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था कि गिवन फिगर्स कब कॉन्ग्रोन्ट होते हैं कॉन्ग्रोट मीन्स सेम फिगर्स एंड सेम शेप एंड सेम साइज़ के फिगर्स होंगे वही फिगर्स हमारे कॉन्ग्रेंट फिगर्स होंगे सो so, स्टूडेंट्स हमने चार कॉन्ग्रोन्सी क्राइटेरियाज़ के बारे में डिस्कस किया था ये चैप्टर ट्राइंगल्स के बारे में है सो so, हम इस चैप्टर में ओनली कॉन्ग्रोन्सी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे हमने चार क्राइटेराज़ के बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट इज साइड 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 क्राइटेरिया साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल एंड आर एच एस क्राइटेरिया सो स्टूडेंट्स आई होप आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उस वीडियो को देख लिया होगा अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप एक्सरसाइज तो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन इज ट्र बी सी एंड डी बी सी आर टू स्टूडेंट्स ये हमें फिगर गिवन है इस फिगर में हमें क्या गिवन है ट्रेंगल ए बी सी ए बी सी मीन्स ये कंप्लीट ट्रैंगल एंड ट्रेंगल डी बी सी डी बी सी ये जो हमारे पास ये स्मॉल ट्राएंगल है ओके okay, स्टूडेंट्स एक हमारे पास कंप्लीट ट्राइंगल और एक ये डी बी सी ट्राइंगल दो आइसोसलिस ट्राइंगल्स हैं आइसोसलिस ट्राइंगल कौन सा होता है स्टूडेंट जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं मान लीजिए कि ए बी और ए सी इक्वल हैं क्योंकि ए बी से एक आइसोसलिस ट्रैंगल है इसी टाइप से मान लीजिए कि बी डी और डी सी भी इक्वल है ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है ओके okay, स्टूडेंट्स क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आइसोसेल्स ट्रायंगल्स हैं नेक्स्ट हमें क्या गिवन है सेम बेस बेस दोनों का सेम है बी सी एंड वर्ट इस एंड डी ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी बी सी जो लाइन सेगमेंट है इसके सेम साइड में है मीन्स ऐसा नहीं है कि डी डी नीचे हो और ए ऊपर हो मीन्स दोनों एक ही साइड में है ए डी जो वर्ट हैं ऑन द सेम ऑफ बी सी इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेकट बी बी सी एट पी अगर हमने ए डी ए ओ डी को यहाँ ज्वाइन किया है अगर ए ओ डी को आगे हमने एक्सटेंड किया मीन्स आगे बढ़ाया तो क्या स्टूडेंट्स बी सी को ये पी पॉइंट पर कट कर रही है ओके स्टूडेंट्स इंटरसेकट कर रही है ए डी ए डी लाइन सेगमेंट को हमने आगे एक्सटेंड किया तो ये लाइन सेगमेंट आगे पी पॉइंट पर बी सी लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रही है मीन्स कट कर रही है ओके okay, स्टूडेंट्स तो हमें क्या शो करना है इसमें हमें फोर पार्ट्स गिवन है फर्स्ट पार्ट में हमें क्या शो करना है कि ट्रेंगल ए बी डी ए बी डी मीन्स दिस ट्रेंगल इज कॉन्गुरैंट टू ट्रेंगल ए सी डी ए सी डी मीन्स इन दोनों ट्रैंगल्स को कांग्रेंट प्रूव करना है सेकेंड पार्ट में ट्रेंगल ए बी पी ए बी पी मीन्स ये लेफ्ट साइड का हमारे पास ट्रायंगल दिस इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी पी ए सी पी मीन्स ये हमारे राइट साइड का ट्रायंगल इन दोनों ट्रायंगल्स को फिर कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है ए पी बाई सेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी मीन्स ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो एंगल ए को भी बाइसेकट कर रहा है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है बाई सेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल ओके स्टूडेंट्स ये हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करना है और फोर्थ पार्ट में क्या प्रूव करना है कि ए पी इज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ बी सी ए पी जो लाइन सेगमेंट है वो बी सी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है बाई सेक्टर बाईस बाई मीन्स टू मीन्स बी सी को टू इक्वल पार्ट्स में इसने डिवाइड किया है मीन्स बी पी इक्वल टू सी पी ये दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल हैं एक तो हमें ये प्रूव करना है और दूसरा हमें क्या प्रूव करना है कि ए पी जो है क्टर है परपेंडिकुलर मीन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है ओके स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है ट्रैंगल ए बी सी एंड ट्रैंगल डी बी सी आर टू आईसोसलिस हमें ए बी सी और डी बी सी दो है ओके स्टूडेंट्स सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी ए बी डी जो आपको ग्रे कलर में ट्रायंगल दिख रहे हैं दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी ए सी डी मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स सेम शेप और सेम साइज के हैं, मीन्स दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर पुट करेंगे तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे कंप्लीटली कवर करेंगे ओके स्टूडेंट्स सो हमें क्या करना है इन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के प्रूव करना है तो कॉन्ग्रग्रसी के हमने फोर क्राइटेरियाज के बारे में डिस्कस किया था साइड 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 क्राइटेरिया मीन्स एक ट्रायंगल की तीनों साइड अगर दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हो जाती हैं तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था साइड एंगल साइड मीन्स किसी ट्रायंगल की एक साइड और दो साइड और उनके बीच का एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के कोरोस्पोंडिंग दो साइड्स और उस एंगल के इक्वल हो जाए तो भी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे थर्ड हमने डिस्कस किया था एंगल साइड था। एंगल क्राइटेरिया मीन्स दो एंगल और उनके बीच की कॉमन लाइन सेगमेंट जो है दूसरे ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग दो एंगल्स और साइड के इक्वल हो जाए तो भी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे और फोर्थ क्राइटेरिया क्या था आर एच एस मिस मीन्स किसी राइट एंगल ट्रैंगल में हाईपोटनियस और एक साइड किसी दूसरे ट्रैंगल के हाइपोटनियस और एक साइड के इक्वल हो जाए तो भी ट्रैंगल्स क्या होंगे कांग्रेंट होंगे बट स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ कोई 90 डिग्री का एंगल हमें नहीं दिख रहा है तो यहाँ आर एच एस एप्लीकेबल नहीं होगा तीनों जो हमारे पास कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया है साइड 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 या फिर एंगल साइड एंगल या फिर एंगल साइड एंगल इन तो, तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया का हम यूज़ करके इन दोनों ट्रैंगल्स को कांग्रेंट

ओके स्टूडेंट्स सो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड और ए दोनों ट्रैंगल्स में कॉमन है तो दोनों ट्रैंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रेंट यही हमने किया स्टूडेंट्स ए डी इक्वल टू ए डी ए डी दोनों ट्रैंगल्स में कॉमन common है कॉमन आर ए बी इक्वल टू ए सी ए बी इक्वल टू ए सी ये ऑलरेडी गिवन है और बी डी इक्वल टू सी डी बी डी इक्वल टू सी डी ये भी इक्वल है ऑलरेडी गिवन है सो so, एक ट्रैंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की कोरोस्पोंडिंग साइड्स के इक्वल होगी दैट्स वाई

ओके स्टूडेंट्स सो इन दोनों ट्रैंगल को ऑब्जर्व करेंगे ए पी जो है दोनों कॉमन आर्म है ये इस ट्रैंगल में भी है और इस ट्रैंगल में भी है ओके स्टूडेंट्स सो ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन कॉमन आर्म है नेक्स्ट ए बी इक्वल टू ए सी ऑलरेडी हमें गिवन है सो so, क्या होगा स्टूडेंट्स एंगल पी ए बी इक्वल टू पी ए सी पी ए बी मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल आएगा वाई बिकॉज हमने स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था चैप्टर नाइन चैप्टर सेवन में के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अगर किसी आइसोसलिस्ट्रैंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके कोरोस्पॉग एंगल्स उनके जो एंगल्स होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे सो देखिए स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू में डिस्कस किया था

ओके okay, स्टूडेंट्स और अगर अपोजिट एंगल्स द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ आर इक्वल और अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं किसी ट्रेंगल के तो वो साइड्स इक्वल होती हैं ओके okay, स्टूडेंट्स so, इसी प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज किया है सो so, स्टूडेंट्स हमने क्या प्रूव किया दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है मीन्स ट्रैंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रोट टू ट्रेंगल ए सी पी बाय साइड एंगल साइड कांग्रेन कंडीशन बिकॉज हमने दो साइड्स

यहाँ पे जो है बी डी सी इन दोनों दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल ओके स्टूडेंट्स तो ये हमें प्रूव करना है सो बी एडी बी ए डी मीन्स दिस एंगल इक्वल टू सी ए डी मीन्स दिस एंगल ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हैं और एंगल बी डी पी मीन्स दिस एंगल इक्वल टू सी डी पी मीन्स दिस एंगल ये हमें प्रूव करना है ओके स्टूडेंट्स सो

P, A, B equal to P A C, so this angle equal to this angle. Okay students, so A P bisects angle A, means A P ने क्या किया है angle A को bisect किया है means two equal parts में divide किया है ओके स्टूडेंट्स सो सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल मीन्स पी डी बी इक्वल टू पी डी सी ओके स्टूडेंट्स सो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले हम इन दोनों ट्रैंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे ओके स्टूडेंट्स सो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे इन ट्राइंगल बी पी डी एंड सी पी डी बी पी डी एंड सी पी डी इस ट्रैंगल में क्या है स्टूडेंट्स पी डी इक्वल टू पी डी पी डी जो लाइन सेगमेंट है दोनों ट्रैंगल्स में कॉमन है कॉमन बी डी इक्वल टू सी डी बी डी इक्वल टू सी डी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है सो बी पी इक्वल टू सी पी बी पी इक्वल टू सी पी ये कैसे आया स्टूडेंट्स क्योंकि हमने क्या प्रूव किया था ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी पी तो ये दोनों ट्रायंगल्स लेफ्ट और राइट दोनों अगर कॉन्ग्रेंट है तो दिस साइड इक्वल टू तो दिस साइड हमें ऑलरेडी गिवन है तो बी पी और सी पी भी क्या होंगे इक्वल होंगे ओके स्टूडेंट्स सो बी पी इक्वल टू सी पी सो तीनों साइड्स इक्वल हो गई दैट्स वाई ट्रैंगल बी पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रैगल सी पी डी सो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए दैट्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल ओके स्टूडेंट्स सो हमें यही प्रूव कर रहा था कि एंगल सो एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी बाई सी पी सी टी कांग्रेस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रैंगल्स ओके स्टूडेंट्स सो ओ पी बायसे एंगल बी डी सी सो ओपी सॉरी यहाँ पे डीपी बाईसेक्ट किसको कर रहा है डी बी डी सी को मींस ओपी जो है यहाँ पे इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है मींस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल ये हमें प्रूव करना था बट हमें क्या प्रूव करना था स्टूडेंट्स के ये जो लाइन सेगमेंट है ए पी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का मींस यहां पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है हमें ये और प्रूव करना है सो so, स्टूडेंट्स हमने अभी-अभी क्या प्रूव किया कि ए डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को और डी पी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी डी सी को ओके स्टूडेंट्स इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है मींस कंप्लीट जो लाइन सेगमेंट है वन और टू की हेल्प से हमने क्या प्रूव किया बाई यूजिंग वन एंड टू फर्स्ट कंडीशन कौन सी थी हमारे पास ये ए पी बायसे कर रहा है एंगल ए को और सेकेंड कंडीशन क्या थी कि ओपी बायसेक्ट कर रहा है एंगल बी डी सी को तो ये सेकेंड कंडीशन थी तो फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए पी बायसे एंगल ए एंड डी यही हमें प्रूव करना था परपेंडिकुलर हमें नेक्स्ट पार्ट में प्रूव करना है सो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि ए पी जो है लाइन सेगमेंट वो बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मीन्स यहाँ पे नाइन्टी डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो रखा है ओके okay, स्टूडेंट्स तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे फोर्थ पार्ट को ट्रेंगल बी पी डी इज कॉन्ग्रेंट टू सी पी डी बी पी डी हमने अभी भी क्या प्रूव किया था स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में कि दिस ट्रेंगल इज कॉन्ग्रेन टू दिस ट्रेंगल ये हमने यहाँ लिखा है ट्रेंगल बी पी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रेंगल सी पी डी ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंगल बी पी डी इक्वल टू सी पी डी और हमने क्या प्रूव किया था कि दिस एंगल इक्वल टू तो दिस एंगल ओके स्टूडेंट्स एंड बी पी इक्वल टू सी पी बी पी बी पी और सी पी भी हमने स्ट्रेट लाइन तो स्टूडेंट्स बी सी क्या स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन है मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना आएगा वन डिग्री का ओके स्टूडेंट्स सो सिंस बी सी इज स्ट्रेट लाइन सो एंगल बीपीडी बी पी डी मीन्स दिस एंगल प्लस सी पी डी मीन्स दिस एंगल इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा वन एट्टी डिग्री ओके स्टूडेंट्स बट हमने क्या प्रूव किया एंगल बी पी डी प्लस बी पी डी बी पी डी प्लस सी पी डी इक्वल टू वन एटी डिग्री बट हमने क्या प्रूव किया स्टूडेंट्स के दोनों ट्रैंगल कॉग्रेंट है तो क्या होगा दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल तो दोनों एंगल्स इक्वल हैं एक के प्लेस पे दूसरे की वैल्यू को पुट कर सकते हैं सो so, हमने क्या किया स्टूडेंट्स यहाँ पे सी पी डी के प्लेस पे बी पी डी को पुट किया सो बी पी डी प्लस एंगल बी पी डी इक्वल टू वन एटी डिग्री सो एंगल बी पी डी टू टाइम्स हमने लिया है सो टू टाइम्स एंगल बी पी डी इक्वल टू वन एटी डिग्री टू को राइट right साइड में शिफ्ट करेंगे तो so, एंगल बी पी डी इक्वल टू वन एट्टी और यहाँ पे टू कहाँ जाएगा डिवाइड में टू वन जा टू टू नाइन जीन जीरो सो नाइन्टी डिग्री सो एंगल बी पी डी इक्वल टू नाइन्टी डिग्री सो एंगल बी पी डी इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ये एंगल नाइन्टी डिग्री का है तो ये एंगल भी नाइन्टी डिग्री का होगा सो स्टूडेंट्स बी पी इक्वल टू सी पी हमने ऑलरेडी प्रूव किया था मीन्स ये जो लाइन सेगमेंट है ए पी बीसी को बाइसेक्ट कर रही है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है अभी हमने क्या प्रूव किया कि ये जो एंगल है नाइन्टी डिग्री का है मीन एपी का है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मीन्स एपी जो है बीसी के साथ 90 के एंगल को कंस्ट्रक्ट किया है ओके स्टूडेंट्स तो यही हमें प्रूव करना था इसके साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कम्प्लीट होता है सेकेंड क्वेश्चन काफी ईजी है स्टूडेंट्स इसी टाइप से आप सॉल्व करेंगे सो so, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे अगर आप को, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर थ्री टू साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रगल ए बी सी आर रिस्पेक्टली इक्वल टू पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर सी फिगर सेवन पॉइंट फोर जीरो शो दैट ट्रेंगल ए बी एम इज कॉन्गोर टू पी क्यू एन तो देखिए स्टूडेंट्स हमें दो ट्रैंगल की वन है ए बी सी और पी क्यू आर ये दो ट्रैंगल हैं इसमें हमें क्या गिवन है ए बी इक्वल टू पी क्यू बी एम इक्वल टू क्यू एन और एम इक्वल टू पी एन ओके स्टूडेंट्स और ये क्या स्टूडेंट्स मीडियन है मीडियन मींस ए बी सी का ये एम क्या है मिड पॉइंट और क्यू आर का एन क्या है मिड पॉइंट ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन गिवन है हमें फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है ट्रैंगल ए बी एम ए बी एम ए बी एम मीन्स दिस ट्रैंगल इज कॉन्ग्रैंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन पी क्यू एन मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं और सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रेंगल ए बी सी ए बी सी मीन्स कम्पलीट ट्राएंगल इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू आर ओके स्टूडेंट्स पहले हमें ये जो हाफ हाफ ट्राइंगल्स दिख रहे हैं इनको कांग्रोट प्रूव करना है उसके बाद हमें कंप्लीट ट्राइंगल को कांग्रोट प्रूव करना है ओके okay, स्टूडेंट्स सो so, देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं हमें क्या करना है ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है ओके okay, स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू ए एम इक्वल टू पी एन और बी एम इक्वल टू क्यू एन सो एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग थ्री साइड्स के इक्वल हैं तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के हेल्प से बहुत ट्राइंगल्सूडेंट्स okay, ये हमने लिखा है हमें क्या है ए बी इक्वल टू पी क्यू बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड एम इक्वल टू पी एन इक्वल टू दिसवल टू दिस एंडल ओके स्टूडेंट्स प्रूव हमें क्या करना है कि ट्रैगल ए बी एम इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू एन सो ए बी एम इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू एन ये हमें प्रूव करना है प्रूफ में हमने क्या किया बी सीवल टू क्यू एन बी सी इक्वल टू क्यू एन बी सी इक्वल टू क्यू एन एंड ए एम एंड बी एन आर मीडियम सो हाफ ऑफ बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू एन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स के बीसी इक्वल टू सो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू ए एम इक्वल टू पी एन और बी सी इक्वल टू क्यू आर मीन्स कंप्लीट लाइन सेगमेंट हमें इक्वल गिवन है तो अगर ये मिड पॉइंट है M और बी सी इक्वल टू क्यू आर के है तो इनका मिड पॉइंट हम लेंगे तो हाफ पार्ट भी क्या होंगे इक्वल होंगे ओके स्टूडेंट्स मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट सिक्स सेंटीमीटर का ये भी सिक्स सेंटीमीटर का तो दोनों का हाफ करेंगे मीन्स थ्री तो ये लाइन सेगमेंट भी थ्री सेंटीमीटर का बनेगा और ये भी थ्री सेंटीमीटर का आएगा ओके स्टूडेंट्स सो इसी का हमने यूज़ किया है एज बी सी इक्वल टू क्यू आर जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है बी सी इक्वल टू क्यू आर सो एंड ए एम एंड बी एन आर मीडियंस एम एंड बी पी पी एन क्या है मीडियंस है मीन्स बी सी और क्यू आर को मिड पॉइंट्स पर यह मीट कर रखा है ओके स्टूडेंट्स सो हाफ ऑफ बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर हाफ ऑफ बी सी किस के इक्वल आएगा बी एम की इक्वल आएगा सो बी एम इक्वल टू क्यू एन ओके स्टूडेंट्स सो इन ट्रैंगल ए बी एम एंड पी क्यू एन सो अब हम ऑरेंज कलर का और ये ग्रीन कलर का ट्रैंगल ऑब्जर्व करेंगे बी एन इक्वल टू क्यू एन बी एम इक्वल टू क्यू एम हमने ऑलरेडी प्रूवड अबो ऊपर अभी अभी प्रूव किया कि ये दोनों इक्वल हैं नेक्स्ट ए बी इक्वल टू पी क्यू ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है Next, A, P, A, P, हमें क्वेश्चन में और ए एम इक्वल टू पी एन ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है सो so, एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीन कोरस्पोंडिंग साइड्स के इक्वल हैं दैट्स वाई ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रोन टू पी क्यू एन बाई साइड 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 कांग्रेस कंडीशन ओके स्टूडेंट्स तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे पास कॉन्ग्रोट अब हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स सो देखिए स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है ट्रैंगल ए बी सी ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू आर कंप्लीट ट्रैंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है ओके स्टूडेंट्स सो देखिए ए बी इक्वल टू पी क्यू ए बी इक्वल टू पी क्यू हमें ऑलरेडी गिवन है बी सी इक्वल टू क्यू आर बी सी इक्वल टू क्यू आर ये भी हम ऑलरेडी गिवन है सो so, क्या होगा स्टूडेंट्स एंगल ए बी सी ए बी सी ए बी सी मीन्स दिस एंगल इक्वल टू पी क्यू आर पी क्यू आर में इस एंगल के ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्यों होंगे स्टूडेंट्स एज ट्रैंगल ए बी एम इज कॉन्गोरेंट टू पी क्यू एन क्योंकि हमने अभी भी क्या प्रूव किया था स्टूडेंट्स कि ये दोनों ट्रैंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं दैट्स वाई तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी और कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे सो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आएगा ओके स्टूडेंट्स सो हमने क्या प्रूव किया साइड एंगल साइड सो साइड एंगल साइड सो इस ट्रैंगल की दो साइड्स और उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल जो उनका बीच का एंगल है वो किसी दूसरे ट्रैंगल के दो साइड्स और उनका जो इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है दैट्स वाई बोथ ट्रैगल्स आर कॉन्ग्रेंट सो ट्राएंगल ए बी सी इज कॉन्गोरेंट टू ट्रेंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी कंडीशन ओके स्टूडेंट्स सो इसके साथ ही हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर फोर भी काफी इजी है स्टूडेंट्स इसको आप भी आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव इज ए बी इज़ आइन आइसोसलिस्ट ट्रैंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी सो ए बी ए बी सी हमें आइसोसलिस ट्रैंगल गिवन है जिसमें ए बी और ए सी दोनों इक्वल साइड्स हैं एंड ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी बी सी जो लाइन सेगमेंट है उस पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है ए पॉइंट से पी पर जो पी पॉइंट पर ज्वाइन कर रहा है बी सी को टू शो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी सो हमें एंगल बी और एंगल सी को इक्वल प्रूव करना है सो देखिये स्टूडेंट्स ये भी काफी इजी क्वेश्चन है हम पहले इसका फिगर को ड्रॉ करेंगे गिवन में हमें क्या है एक आईसोसलिस्ट्रंगल ए बी सी गिवन है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी ओके स्टूडेंट्स और ए पी जो है परपेंडिकुलर है मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे ए जो वर्टेक्स है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है जो बी सी को पी पॉइंट पर मीट कर रहा है ओके स्टूडेंट्स सो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इन दोनों एंगल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है तो इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स ट्रैंगल ए बी पी इज कॉन्गोरेंट टू ए सी पी अगर ये दोनों ट्रैंगल्स कॉन्गोरेंट हो गए तो इसके एंगल्स भी कॉरस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल ओके स्ट्रेंड्स सो इन ट्रैंगल ए बी पी एंड ए सी पी ए पी बी या फिर ए बी पी एंड ए सी पी इन दोनों ट्रैंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे ए बी इक्वल टू ए सी हमें ऑलरेडी गिवन है एंड ए पी इक्वल टू ए पी ये कॉमन साइड है एंड एंगल ए पी बी ए पी बी मींस दिस एंगल इक्वल टू ए पी सी दिस एंगल क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल है तो दोनों एंगल्स क्या है इक्वल ओके स्टूडेंट्स क्योंकि परपेंडिकुलर है दैट्स एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री सो so, हमने क्या प्रूव किया ट्रायंगल की टू साइड्स और एक एंगल को हमने इक्वल प्रूव कर दिया ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ओके स्टूडेंट्स सो कौन सा कॉन्ग्रोएंसी क्राइटेरिया लगा क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है तो ये राइट एंगल ट्रेंगल है बाय आर एच एस सो राइट एंगल ट्रैंगल में हाइपोटनियस और एक साइड हाइपोटनियस क्या रहेगा हमारे पास ये और ये हमारे पास एक साइड को हमने इस साइड को ए पी को दूसरे ट्रैंगल के हाइपोटनियस और एक साइड के इक्वल प्रूव कर दिया दैट्स वाई दीज ट्रैंगल्स आर कॉन्ग्रट ट्राएंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रोन टू ट्रेंगल ए सी पी सो so, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रोेंट हैं तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ओके स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट होती है हमारे अपकमिंग अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा मेन टॉपिक रहेगा इनईक्वालिटीज इन अ ट्राएंगल ओके स्टूडेंट्स सो अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड दैट्स ऑल फॉर टूडे